और दवा के बाद दर्द की बात, पीड़ा की बात। अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर तालिबान सरकार ने एक और चाबुक चलाया है। नए तालिबानी फरमान के तहत अब महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जुबान बंद रखने को कहा गया है, यानी कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बोलना मना है। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं का पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए। कानून तोड़ने वाली महिलाओं के लिए खौफनाक सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। तालिबान सरकार में महिलाओं की मुसीबत अपार, कट्टरपंथी हुकूमत में महिलाओं की आजादी पर एक और हमला। अफगानिस्तान में महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म, कानून तोड़ने वाली महिलाओं पर बरसेगा तालिबान का चाबुक। 15 अगस्त 2021 यही वो तारीख थी जब लोकतंत्र के रास्ते पर दौड़ रहे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसी दिन से अफगानिस्तान में महिलाओं के दूर दिन शुरू हो गए। तालिबान सरकार ने अपने मुल्क में महिलाओं की आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया। नए कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब महिलाएं पब्लिक मीटिंग में बोल नहीं पाएंगी, गा नहीं पाएंगी, स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगी, नौकरी नहीं कर पाएंगी, अकेले कहीं जा भी नहीं पाएंगी और अदालतों में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगी। यानी कि अब की बार शरिया कानून के नाम पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा करके तालिबान सरकार ने अफगानिस्तानी महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का गला पूरी तरह से घोंट दिया है। तालिबान सरकार ने सिर्फ महिलाओं की आवाज का ही गला नहीं घोंटा, बल्कि उनकी पहचान भी मिटा देने का इरादा कर चुकी है। इसीलिए तालिबानी हुकूमत ने नया फरमान जारी किया है कि अब घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। नए कानून में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने शरीर को ढकना जरूरी है। उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए, यानी कपड़ों के भीतर उनका शरीर झलकना नहीं चाहिए। कानून का पालन न करने पर चेतावनी या फिर गिरफ्तारी जैसी सजा दी जाएगी। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान की महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, सारे हक पुरुषों को हैं। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने या विरोध करने का कोई हक नहीं। सत्ता में आने के 10 दिन बाद ही तालिबानी हुकूमत ने वहां की न्यायिक व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बुरा असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों में तलाक के जिन मामलों में फैसला हो चुका था, अब उन्हें पलटा जा रहा है। तालिबान सरकार में नियुक्त हुए नए जज ओवर टाइम करके पिछले शासन के दौरान किए गए फैसलों को पलट रहे हैं। तालिबान सरकार के एक बड़े अभियान के तहत अदालतों में आम लोगों को मुफ्त अपील की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से तलाक के 30% केस की फाइलें फिर से खोली गई हैं और एक के बाद एक उन सभी केसों के फैसलों को पलटा जा रहा है जिसमें जीत महिला की हुई थी। इसी वजह से वो महिलाएं ज्यादा घबराई हुई हैं जो अपने पति से तलाक लेकर नर्क की जिंदगी से छुटकारा पा चुकी थी। अब उन्हें जबरन अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।